उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में 2 साल बाद रंगपंचमी के रंग दिखे। कोविड पाबंदियां हटने के बाद भक्तों ने बाबा के आंगन में होली खेली। माहौल ब्रज की होली से कम नहीं। सुबह भस्म आरती में महाकाल को टेशु के फूलों से बना रंग चढ़ाया गया। पंडित पुजारी और श्रद्धालु हर्बल रंगों से सराबोर दिखे। टेशु से तैयार केसरिया रंग को गर्भगृह से नंदी हॉल तक उड़ाया गया। परंपरा के अनुसार सबसे पहले पुजारियों ने बाबा महाकाल को टेशु के फूलों से बना रंग लगाया। आरती के दौरान रंग को श्रद्धालुओं पर फेंका गया। रंगपंचमी पर महाकाल का भांग चंदन और सूखे मेवे से श्रृंगार किया गया। पंचामृत अभिषेक पूजन के बाद भस्म अर्पित की गई। त्रिनेत्र रूपी मस्तक पर रजत त्रिपुंड और सिर पर शेष नाग रजत मुकुंड धारण किया। रुद्राक्ष और फूलों की माला अर्पित की गई। शाम 6 बजे बाबा महाकाल के प्रांगण से शहर भर में गैर निकाली जाएगी। इसमें 11 ध्वज 2 बैंड झांकियां चलेंगी। पुजारी महेश शर्मा ने बताया कि रंगपंचमी पर बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। गुलाल कई क्विंटल फूल और केसुड़ी के रंग से भगवान के साथ महाकालेश्वर के साथ आज भस्म आरती जो संपन्न हुई है उसके अंदर भगवान के साथ रंग पंचमी का पर्व वहाँ पुजारी के माध्यम से खेला गया। भक्तों ने भी यहाँ बड़े उत्साह से एक दूसरे को रंग लगा के शुभकामनाएं दी। जो प्रतिवर्ष जो व्यवस्था होती है प्रतिवर्ष जो उत्सव मनाया जाता है उसी उत्सव के तहत आज महाउत्सव मनाया गया और इस महाउत्सव की सभी को शुभकामनाएं। मंगलमय रंगपंचमी पर्व वर्ष है। काल बाबा के रंगपंचमी के उत्सव पर भस्मारती की। हमने बाबा की आरती देखी, बाबा को कलर लगते देखा, हमने बाबा के कलर से होली खेली और हम सब पूरा परिवार बहुत ही आनंदित हुआ इस पर्व पर। और यहाँ ऐसा माना जाता है कि जो रंग पंचमी का कलर ये खास फूलों से तैयार किया जाता है और यही फूल पूरे बाबा की जो मंदिर है, बाबा का जो आसपास का जो वातावरण है उसको और खुशनुमा करते हैं और ही खूबसूरत बनाते हैं और बहुत ही खुशबूदार बनाते हैं। और हम आज बहुत ही खुश हैं कि आज इस पर्व पर हम आए और हमने इतने अच्छे से रंगपंचमी का उत्सव सेलिब्रेट किया। तो जय श्री महाकाल।